आज का हनुमान चालीसा का उद्देश्य ये हुआ कि हमारे देश की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ावा मिला। जो हम लोग अपनी संस्कृति को पहले नहीं पहचान पा रहे थे और हम पिछड़ते जा रहे थे, इसकी वजह से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम अपनी सभ्यता को आगे ले जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे जो संस्कृति समझ नहीं पा रहे थे वो आज इस संस्कृति को समझ रहे हैं। हमारा देश अब एक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को पहचान रहा है। इस सब के साथ मिल करके हम अपने देश को आगे बढ़ा ले जा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं ताकि हम जो संस्कृति जो हमारे भगवान राम की है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सीमा हैदर अभी काफी वायरल चल रही है ये YouTube, Instagram सब पे, मीडिया पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी सत्य है सत्य है और जो सत्य तथ्य निकलता है उस आधारित पे चलना चाहिए, क्योंकि कभी किसी अनजान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान से आई है, वो हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, तो हमें हमेशा उसको शक की निगाहों से देखना चाहिए। वो सच्चे नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी अपने चार बच्चे लेकर के पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान तो नहीं आएगा। उसके वहाँ भाई बंद भी होंगे, परिवार भी होगा, सब कोई है, फिर वो छोड़ के हिंदुस्तान एक आदमी के पीछे कैसे आ सकती है? वो भी चार बच्चे लेकर के, उस चार बच्चों का परिवार भी तो है ना वहाँ, तो वो किस तथ्य पे यहाँ आई है? उसको हमेशा शक की निगाहों से देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं देखना है कि वो हमारे देश के लिए आई है। वो हमारे देश के लिए नहीं आई है, वो अपने लिए आई है, अपने देश के लिए आई है, हमारे देश के लिए नहीं आई है वो। आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के लिए? वो एक तो इल्लीगली आई है यहाँ पे, जैसे नेपाल से आई है यहाँ पे, तो बिना आईडी प्रूफ के आई है, तो उसकी है ना गवर्नमेंट को है ना सख्त मतलब जानकारी लेनी चाहिए वो किस एवज में आई है। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा ही उसकी हाँ पाकिस्तान की तरफ से उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। चार बच्चे हैं उसके, कल को बड़े होकर के वो हिंदू थोड़ी ना रहेंगे, वो अपने वतन को ही याद करेंगे। कोई भी हो अपनी माँ को नहीं भूलता है, वो भी अपने वतन को याद रखेंगे और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है।